हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो पहले हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। रो इज इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वेयर टाउ। एम और ई हमें पता है, वेरी नहीं करेंगे, कांस्टेंट है। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है? एन एंड टाउ, वेयर एन इज नंबर डेंसिटी एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। सो रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, नाउ वेरिएशन ऑफ रो विद द टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटीरियल। जब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अलग अलग मटीरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी डिफरेंट चेंज होएगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर से। क्लियर? लेकिन हम देखेंगे यही कि एन और टाउ की वैल्यू पे क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे ही एन और टाउ की वैल्यू चेंज करेगी, वैसे ही रो की वैल्यू चेंज करेगी। तो पहले देख रहे हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्यों प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है ज़्यादातर मेटल्स के लिए? क्योंकि वैसे ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसके और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे। ठीक है, अगर नहीं इंक्रीज करे तो वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। ठीक है, तो टेम्परेचर पे एन इज ऑलमोस्ट सेम। क्लियर? बट अब हम देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ आयन इंक्रीजेस। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज होएगा ही। ड्यू टू दिस रिलैक्सेशन टाइम टाओ डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कोलाइड कर रहे हैं। बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। क्लियर? अगर कोलिजन ज़्यादा होंगे, वो जल्दी जल्दी एक दूसरे को स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उनका रिलैक्स करने का टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, कोलिजन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो। थर्मल एनर्जी इंक्रीज होएगी, कोलिजन ज्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो अब अगर रो देखें, एन तो चेंज नहीं कर रहा, टाओ की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। अगर टाओ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होएगी? इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर राइज होने पे रो की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। दस रो इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है, सिमिलरली रेजिस्टेंस के जैसे वेरी कर रही है, जैसे हमने कंडक्टर्स का उसमें देखा था रेजिस्टेंस में, तो सिमिलरली रो भी चेंज कर रही है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसके लिए भी। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी माइनस टी नॉट, वेयर रो नॉट इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, टी माइनस टी नॉट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, रो माइनस रो नॉट इज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी। तो अगर हम यहाँ पे भी अगर इसको डिफाइन करना चाहिए अल्फा को, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट विल बी पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डिमेंशनल फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो टी जीरो के माइनस वन। क्लियर? तो सिमिलर जैसे रेजिस्टेंस वेरी कर रही थी, वैसे ही रेजिस्टिविटी वेरी करेगी।
इसके हम ग्राफ देखेंगे। फॉर कॉपर कैसे कर रहा है, इसका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज इंक्रीजिंग विद राइज इन टेम्परेचर। हम अलॉयज का भी यहीं पे देख रहे हैं इसके साथ ही। फॉर अलॉय, किस अलॉय की बात कर रहे हैं हम, नाइक्रोम, ठीक है। कैसे, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका तो देखो कितना वेरिएशन आ रही थी, पहले कम फिर और ज़्यादा चेंज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अलॉय नाइक्रोम का पहले तो बिल्कुल चेंज ही नहीं आ रहा, उसके बाद स्ट्रेट चेंज आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। अलॉयज के लिए टेम्परेचर चेंज तो कर रहा है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं करता, बहुत रेजिस्टिविटी चेंज तो कर रही है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं करती। हायर टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टिविटी चेंज करने लगती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर रहे हैं फॉर अलॉय मैंगनीन, ठीक है। ये देखो ग्राफ इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं लेकिन रो की वैल्यू सेम रह रही है, इसका मतलब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। इसीलिए मैंगनीन को आइडियल जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल्स हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको हम वायर बाउंड प्योर रेजिस्टेंस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगी, क्लियर। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कि सेमीकंडक्टर पे टेम्परेचर का इफेक्ट जब हो रहा है तो एन एंड टाओ, जो हम नंबर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम का देखा था कंडक्टर्स में, वो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, कौन से ले रहे हैं हम, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कोई भी ले सकते हैं हम। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब देखो वहाँ पे कंडक्टर्स में क्या हो रहा था, रिलैक्सेशन टाइम तो चेंज कर रहा था बट नंबर डेंसिटी क्या थी, ऑलमोस्ट सेम थी। बट सेमीकंडक्टर में ये केस नहीं होता, यहाँ पे नंबर डेंसिटी भी क्या करेगी, चेंज करेगी और इंक्रीज होगी। कैसा इंक्रीज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ठीक है। बट इंक्रीज एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो तो सेम ही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे रिलैक्सेशन टाइम पे, कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे थर्मल एनर्जी मिल रही है, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो हमने क्या किया था, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टाउ, ठीक है। तो रो एन पे भी डिपेंडेंट है, टाउ पे भी डिपेंडेंट है, पर देखो जब टेम्परेचर राइज किया रिलैक्सेशन टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज, बट नंबर डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, ठीक है। एन इंक्रीज करेगा रो डिक्रीज होना चाहिए, टाउ डिक्रीज करेगा तो रो क्या होना चाहिए, इंक्रीज। पर ये सेम एक ही मटेरियल के लिए दो केस पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में से एन या टाओ में से कोई चीज तो होगी जो रो को ज्यादा इफेक्ट कर रही होगी, हो सकता है एन ज्यादा इफेक्ट कर रहा हो या टाओ, क्लियर। जो चीज ज्यादा इफेक्ट करेगी रिजल्ट उसी के कारण आएगा, ठीक है। तो आगे देखें, बट इंक्रीज इन एन कंपनसेट्स मोर देन डिक्रीज इन टाओ, ठीक है। तो किसका इफेक्ट ज्यादा है, नंबर डेंसिटी का इफेक्ट ज्यादा होगा रादर देन रिलैक्सेशन टाइम। अगर नंबर डेंसिटी का इफेक्ट ज्यादा है, नंबर डेंसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज, नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रो की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जब दो चीजें बेटे अलग अलग वेरी करें तो हम दोनों में से देखेंगे कि उसका रिजल्ट दोनों में से किसका ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कि नंबर डेंसिटी ज्यादा बढ़ रही थी बट रिलैक्सेशन टाइम उतना डिक्रीज नहीं कर रहा था, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस चीज पे ज्यादा डिपेंड करेगी, एन पे,
क्लियर? अगर एन इंक्रीज कर रहा है तो रो की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी. हेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. एक्सपोनेंशियली क्यों? क्योंकि नंबर डेंसिटी कैसे चेंज कर रही थी? एक्सपोनेंशियली. हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे. देखो एन नंबर डेंसिटी कैसे चेंज कर रहा था? एक्सपोनेंशियली. ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल चेंज. क्लियर? एन टी नंबर डेंसिटी एट टेम्परेचर टी, एन नॉट नंबर डेंसिटी एट टेम्परेचर टी नॉट. ई इज द एक्सपोनेंशियल वेरिएशन. ये क्या है? ई जी इट इज द एनर्जी गैप. किस चीज के बीच में एनर्जी गैप? कंडक्शन एंड वेलेंस बैंड के बीच में. के बी क्या है? इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और टी क्या है? टेम्परेचर. इट इज टेम्परेचर. ठीक है. अब बेटे एज वी नो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. ठीक है. तो यहां पे इसी फॉर्मूले में अगर एन है उसकी जगह पे हमने रो लगाना हो तो क्या होगा? इनवर्सली. तो एन टी की जगह पे हम लिखेंगे 1/ρt और एन नॉट की जगह पे हमें लिखेंगे 1/ρ0. और ये वाला साथ में ऐसे ही आ जाएगा. तो इससे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर इसको अब इन्वर्स करें तो रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट ई पावर. ये देखो इन्वर्स किए तो इसकी भी पावर इन्वर्स होगी. ये पहले यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस का साइन हो गया. ठीक है. अब देखो अगर इस फॉर्मूले से देखें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये पावर क्या होगी? डिक्रीज करेगी. ये पावर डिक्रीज करेगी तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो रो टी भी क्या होगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज. क्लियर? तो इस फॉर्मूले से ये ग्राफ देखो, टी की वैल्यू इंक्रीज करने पे ये वैल्यू, क्योंकि ये नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ये वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज. ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज. ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो रो टी तो एक्सपोनेंशियल पे डिपेंडेंट है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फॉर इंसुलेटर्स. फॉर इंसुलेटर अल्फा इज नेगेटिव. अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो रेजिस्टिविटी रो डिक्रीजेस. जैसे बेटा हमने सेमीकंडक्टर का केस किया है, सिमिलरली हम इंसुलेटर को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. एन और टाउ का लेके केस, नंबर डेंसिटी इंसुलेटर में भी इंक्रीज करेगी और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, बट एन कंपनसेट्स मोर. एन के इफेक्ट ज्यादा होगा. अगर एन का इफेक्ट ज्यादा होगा तो रो की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज. जैसे सेमीकंडक्टर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही इंसुलेटर के केस में भी ये रो डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्लियर? अब नेक्स्ट है फॉर इलेक्ट्रोलाइट. ये डिफरेंट केस है. जैसे हम सोल्यूशन वगैरह लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, उसके लिए उसमें भी अगर हम जैसे सेल बनाते हैं, है ना, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, वहां पे सॉल्यूशन यूज करते हैं सेल, तो वहां पे भी हमें कंडक्टिविटी या उसकी रेजिस्टिविटी के बारे में पता होना चाहिए. तो देखो अल्फा इज नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स विद राइज इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर राइज करते हैं क्या होता है? इंटर आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीजेस. इंटर आयनिक जैसे सोल्यूशन है, कोई NaCl का सोल्यूशन ले लें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, उनमें इंट्रैक्शन होगी. बट टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ वो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन क्या होने लग जाती है? डिक्रीज. ठीक है. अगर इंट्रैक्शंस आपस में इंट्रैक्शन कम होंगी तो ड्यू टू इट आयन कैन मूव फ्रीली. ठीक है. अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज. या ऐसे बोल सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज.
क्लियर? सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज रीड इट केयरफुली. ओके, थैंक यू.